भारत नेपाल सीमा पर स्थित गौरीफंटा मंडी में एक दुकान पर दो पक्षों में चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दूसरे पक्ष का कहना है कि वह विपक्षी की दुकान छोड़ने को तैयार है, लेकिन विपक्षी द्वारा उस दुकान के साथ अब पीछे बने उसके घर पर भी कब्जा करना चाह रहा है। आरोप है कि विपक्षी पुलिस से साठ गांठ कर उस पर 3 फर्जी मुकदमे करवा चुका है, जिसके बाद बराबर पुलिस उन पर दुकान खाली करने का दबाव बना रही है। आरोप है कि उक्त दुकान का मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद भी पुलिस अपनी मनमानी पर अड़ी हुई है। पीड़ित नमन गुप्ता ने एसपी सहित पुलिस के कई उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर मुकदमे की जांच सीओ पलिया से हटाकर अन्य किसी अधिकारी से करवाने की मांग की है। कुमार जी, ग्वारीफंटा में एक आपकी दुकान है जिस पर काफी विवाद चल रहा है। एक महिला का आरोप है कि उसकी दुकान पे आपने जबरन कब्जा कर रखा है, क्या मामला है कुछ बताएं। मेरी एक ग्वारीफंटा में दुकान है, उसमें मैं व्यवसाय करता हूँ कपड़े का, और विपक्षी लोग दुकान को खाली कराना चाहते हैं। अब पुलिस से मिल करके अब मुझे बहुत परेशान करते हैं, गाली देते हैं, मारते पीटते हैं। अब मेरा न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है, दुकान का विचाराधीन है। मुझसे कह रहे हैं खाली करिए, पुलिस से मिलकर सब खाली कराना चाहते हैं और मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। नहीं, बताया जा रहा है महिला ने आप पे कई मुकदमे भी दर्ज कराए, क्या फर्जी हैं कि सही है वो मुकदमे? महिला ने जो मुकदमे दर्ज कराए हैं वो सब फर्जी हैं। तो उसमें आपने क्या सीओ से कोई बात की, कोई न्याय की गुहार लगाई कि नहीं लगाई? सीओ से न्याय की गुहार लगाई मगर हमारी कोई सुनता नहीं है। क्या चाहते हैं बाप? हम चाहते ये हैं जो फैसला हो, बिल्कुल न्याय हमको मिले।